हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है जॉइंट्स यानी कि संधियां। इस क्लास के अंदर हम जितने भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट वह स्थान है जहां पर कि दो या दो से अधिक बोन्स मीट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं या संधि कहते हैं। अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स कम टुगेदर, एक स्थान जहां पर दो या दो से अधिक बोन्स क्या करती है? मीट करती है। उस स्थान को हम क्या कह देते हैं? जॉइंट्स कह देते हैं। अब ये जो जॉइंट्स होते हैं उनको तीन कैटेगरीज के अंदर ब्रॉडली बांटा गया है। नॉन मूवेबल जॉइंट्स यानी कि अगतिशील संधियां, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स यानी कि इनके अंदर हल्का सा मूवमेंट पाया जाता है, ये नॉन मूवेबल जॉइंट्स थे इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता है, और परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स यानी कि ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से गतिशील संधियां हैं। ओके, तो नॉन मूवेबल या इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और परफेक्ट मूवेबल जॉइंट। अच्छा, तीनों में खास डिफरेंस देखिए। नॉन मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में कोई कैविटी नहीं होती है, देयर इज नो जॉइंट कैविटी। मतलब दो बोन्स जहां पर आर्टिकुलेट करती है उनके बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो इनके बीच में कोई कैविटी नहीं है, जॉइंट के बीच में कोई कैविटी नहीं है। यहां पर तो देखो जॉइंट के बीच में यहां पर कैविटी है, लेकिन यहां पर कोई कैविटी नहीं है, इसलिए बोन्स के बीच में मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। बोन्स के बीच में, दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में हमेशा गैप होना चाहिए यानी कि जॉइंट कैविटी होनी चाहिए तो ही मूवमेंट पॉसिबल है। यदि दो बोन्स के बीच में कोई कैविटी नहीं होगी, जॉइंट कैविटी नहीं होगी, तो मूवमेंट नहीं होगा। तो देखो यहां पर नो जॉइंट कैविटी तो मूवमेंट भी नहीं होता। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर जॉइंट कैविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब दीज आर द जॉइंट्स विच आर हैविंग जॉइंट कैविटी और मे नॉट बी हैविंग जॉइंट कैविटी, विथ और विदाउट जॉइंट कैविटी। इसीलिए तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है। और जो परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, पूर्ण रूप से जो गतिशील संधियां होती है उनके बीच में क्या होती है? जॉइंट कैविटी होती है, राइट? जैसे कि दो बोन्स है तो इनके बीच में आप देख सकते हो कि मैंने एक साइनोवियल कैविटी लिख रखी है। साइनोवियल कैविटी मतलब जॉइंट कैविटी। तो दो बोन्स के बीच में कैविटी है ना, तभी तो आसानी से क्या हो पाता है? मूवमेंट हो पाता है। तो यहां पर जॉइंट कैविटी है, यहां पर जॉइंट कैविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और यहां पर जॉइंट कैविटी नहीं होती, ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं शो करती है, ये थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करती है, और ये पूर्ण रूप से मूवमेंट शो करती है। आइए सबसे पहले देखते हैं नॉन मूवेबल जॉइंट्स को, जिनमें की कैविटी नहीं होती, जॉइंट कैविटी नहीं होती है। तो ये जो नॉन मूवेबल जॉइंट्स है इनको अगतिशील संधियां कहते हैं, इनको हम सिन आर्थ्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सिन आर्थ्रोसिस। ये नाम थोड़ा सा टिपिकल है, आपको नॉर्मल बुक्स में देखने को नहीं मिलता है। तो आप देखें नॉन मूवेबल जॉइंट्स को ही हम सिन आर्थ्रोसिस भी कहते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और मुख्यतः जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नॉन मूवेबल जॉइंट्स का वो है सूचर्स। आपने सुना होगा कि स्कल बोन्स जो होती है, मैंने आपको स्कल बोन्स पढ़ाई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो स्कल बोन्स के अंदर कोई कैविटी, जॉइंट कैविटी नहीं है, तो स्कल बोन्स के अंदर जो मिलते हैं वो कौन होते हैं? सूचर्स होते हैं। तो सूचर्स आर फाउंड बिटवीन द स्कल बोन्स, और ये किसी भी प्रकार की गति नहीं दर्शाते क्योंकि इनके बीच में कोई जॉइंट कैविटी नहीं है, ये फिक्स्ड होते हैं। सूचर जो स्कल बोन्स के बीच में है वो फिक्स्ड होते हैं, इमूवेबल होते हैं या फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, तभी तो हम इनको नॉन मूवेबल जॉइंट्स को हम फाइब्रस जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये कैसी संधियां हैं? फिक्स्ड होती है, इमूवेबल होती है, और ये फाइब्रस जॉइंट्स कहलाते हैं। एक और है गोम्फोसिस, ये भी थोड़ा सा अलग नाम है। सूचर्स तो आप लोगों ने सुने होंगे, गोम्फोसिस शायद नहीं सुना हो। गोम्फोसिस क्या है? टूथ एंड इट्स सॉकेट, दांत और उसके सॉकेट के बीच में जो जॉइंट है उसको गोम्फोसिस कहते हैं। ये भी इमूवेबल जॉइंट है, ओके? ये भी कैसा है? इमूवेबल जॉइंट है, क्योंकि ये पेरिओडोंटल लिगामेंट से क्या रहता है? ये अटैच रहता है। तो याद रखना, टूथ और उसके सॉकेट के बीच में, दांत और दांत जिसमें धंसा हुआ है सॉकेट, उनके बीच में जो संधि है वो इमूवेबल जॉइंट है, नॉन मूवेबल है, उसको गोम्फोसिस के नाम से जानते हैं। और स्कल बोन्स के बीच में जो संधियां हैं वो कौन सी? सूचर कहलाती है, ये भी नॉन मूवेबल होती है, ओके?
अब आ जाते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर, इनको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं, उपास्थल संधियां भी कहते हैं, राइट, या इन्हें हम एम्फी आर्थ्रोसिस भी कहते हैं, इन्हें एम्फी आर्थ्रोसिस भी कहते हैं, या इन्हें कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं, या इनको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट क्या है, पॉसिबल है। और यहां पर बोन्स के बीच में देखो, समझो बोन्स के बीच में क्या होती है, या तो हाईलाइन कार्टिलेज होती है बोन्स के बीच में, या तो कौन सी होती है, हाईलाइन कार्टिलेज होती है, या बोन्स के बीच में फाइब्रो कार्टिलेज क्या होती है, उपस्थित होती है। वापस से बता दूं, बोन्स के बीच में हाईलाइन कार्टिलेज उपस्थित होती है या फाइब्रो कार्टिलेज क्या होती है, उपस्थित होती है, तभी तो बोन्स के बीच में आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में उपास्थियां हैं, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, उपास्थल संधि या कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं। ये देखो बोन्स के बीच में हाइलाइन कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज उपस्थित है। अब ध्यान रखो, यदि जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जहां पर कि हाइलाइन कार्टिलेज हो, ऐसे जॉइंट जहां पर कि दो बोन्स के बीच में, ऐसे जॉइंट्स जहां पर दो बोन्स के बीच में हाइलाइन कार्टिलेज क्या हो, उपस्थित हो, उनको तो बोलते हैं प्राइमरी जॉइंट्स कहते हैं। और जिनके बीच में आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में, जॉइंट्स के बीच में फाइब्रो कार्टिलेज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जॉइंट्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये जो जॉइंट्स होते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स यानी कि एम्फी आर्थ्रोसिस, वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर जो है वो जॉइंट्स के बीच में हाईलाइन उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है, और सेकेंडरी के बीच में जॉइंट्स के बीच में फाइब्रो कार्टिलेज होती है, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे जॉइंट जिनके बीच में हाइलाइन कार्टिलेज होती है उनको हम बोलते हैं सिनकोंड्रोसिस, व्हाट वी कॉल सिनकोंड्रोसिस। तो प्राइमरी का ही दूसरा नाम क्या है, सिनकोंड्रोसिस है, राइट, और सेकेंडरी का ही दूसरा नाम क्या है, सिम्फाइसिस। क्या है ये, सिम्फाइसिस, ओके। चलो अब देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल्स क्या है, ये जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं उनका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक तो इंटरवर्टिबल डिस्क बिटवीन वर्टिब्राज। आपने देखा होगा हमारे पीछे जो है वो डॉर्सल सरफेस के ऊपर वर्टिबल कॉलम है, और वर्टिबल कॉलम के अंदर कशेरुक दंड के अंदर खूब सारी कशेरुकाएं हैं, वर्टिब्राज है। तो वर्टिब्राज के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, और इसके कारण जो है वो हम पूरी की पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकते, हमारी जो ये कमर का जो मूवमेंट है, राइट, वो क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रा के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है, और उसके कारण जो है वो लिमिटेड मूवमेंट होता है, पूर्ण मूवमेंट नहीं होता है। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड बिटवीन बोन्स ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। आपने प्यूबिक सिम्फाइसिस सुना होगा, गर्डल्स तो जानते हैं, पेल्विक गर्डल, श्रोणि मेखला, यहाँ की जो गर्डल होती है वो कौन सी होती है, श्रोणि मेखला। मैंने आपको बताया था कि श्रोणि मेखला के पेल्विक गर्डल के दो भाग होते हैं, एक हाफ लेफ्ट में एक हाफ राइट में। अब लेफ्ट के अंदर तीन बोन्स है, इलियम, इशियम और प्यूबिस, और इधर भी कितने बोन है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। जहां पर दो प्यूबिस मीट करती है पेल्विक गर्डल की, दोनों तरफ की दो प्यूबिस जहां पर मीट करती है वहां पर क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है उसमें भी जो दो गर्डल्स के हाफ के बीच में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वहां पर भी जो मूवमेंट है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, ओके, पूर्ण रूप से गतिशील नहीं है। अब आ जाते हैं अंतिम वाला जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स, क्योंकि यहां पर दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में जॉइंट कैविटी है। कंफ्यूजन नहीं करना है, जॉइंट कैविटी को ही हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं, तभी तो इन जॉइंट्स को नाम क्या दे दिया है, साइनोवियल जॉइंट्स, ओके। चलो तो अब एक और चीज बता दूं, जॉइंट कैविटी है क्या या साइनोवियल कैविटी है क्या, तो जॉइंट कैविटी इज ए स्पेस बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स। क्या है ये, दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में एक स्पेस है, जैसे ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स है, इनके बीच में जो स्पेस है इसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं या जॉइंट कैविटी कहते हैं। साइनोवियल कैविटी के अंदर यहां पर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, राइट, और इसको सराउंड किए हुए अंदर की तरफ तो एक मेम्ब्रेन है जिसका कि नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है, वो कौन सी, फाइब्रस कैप्सूल है। तो साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है और साइनोवियल कैविटी को घेरे हुए दो मेम्ब्रेन है, बाहरी मेम्ब्रेन फाइब्रस कैप्सूल की है और अंदर की मेम्ब्रेन कौन से, साइनोवियल मेम्ब्रेन की है। और क्योंकि यहां पर जॉइंट कैविटी है दो के बीच में, राइट, इसीलिए बोन्स आसानी से क्या शो करती है, मूवमेंट शो करती है। और ध्यान रहे कि ये जो अपने परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स हैं, राइट, वो छह प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के।
अच्छा याद रखना कि ये जो जितने भी जॉइंट्स हैं जो कि परफेक्ट जॉइंट्स हैं या जो साइनोवियल जॉइंट जो कि अभी मैं 6 प्रकार के पढ़ूंगा उसमें 3 नाम आएंगे। एक आएगा पॉलीएक्सियल, दूसरा आएगा बाईएक्सियल और एक आएगा मोनोएक्सियल। ओके, मोनोएक्सियल का मतलब क्या होता है, हमेशा एक चीज याद रखो, यदि एक प्लेन के अंदर मूवमेंट हो, एक प्लेन के अंदर बोन का मूवमेंट हो तो उसको बोलते हैं मोनोएक्सियल, दो प्लेन के अंदर मूवमेंट हो तो बाईएक्सियल, और दो से ज्यादा प्लेन के अंदर मूवमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पॉलीएक्सियल। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान, तीन चीजें याद रखनी। अब हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे कॉमन जो साइनोवियल संधि है वो कौन सी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, हिंदी में इसको कंदुक खलिका संधि कहते हैं, और ये एक प्रकार का मल्टी एक्सियल जॉइंट है। मल्टी एक्सियल जॉइंट का मतलब क्या होता है, दैट मूवमेंट अकर इन वेरियस प्लेन्स, मूवमेंट बहुत सारे प्लेन्स में होता है, यानी कि मूवमेंट 360 डिग्री के ऊपर होता है। अपने कैसे मूवमेंट ये करते हैं ना, ये हाथ का जो मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट, तो ये जो मूवमेंट है वो कितने डिग्री के ऊपर हो रहा है, 360 डिग्री के ऊपर, चाहे आप हाथ को यूं घुमाए चाहे आप हाथ को ऐसे घुमाइए, तो ये कैसा मूवमेंट है, 360 डिग्री के ऊपर हो रहा है। तो ये मल्टी एक्सियल जॉइंट है, अनेक प्लेन्स में होता है, और यहां पर बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन, एक बोन की तो बॉल लाइक सरफेस, जैसे ये बॉल लाइक सरफेस है, और दूसरे बोन का कप लाइक डिप्रेशन, तो ये तो हो गया कप लाइक डिप्रेशन, और ये हो गई बॉल लाइक सरफेस जो है, तो एक बोन का बॉल लाइक सरफेस दूसरे बोन के किसमें फिक्स हो जाता है, कप लाइक डिप्रेशन में, ऐसे, और फिर ये मूवमेंट होता है। तो यहां पर एक मूवमेंट होता है। आपने सुना होगा कि शोल्डर एंड हिप जॉइंट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि हमारी जो यहाँ की स्केपुला बोन होती है वहां पर एक ग्लिनोइड कैविटी होती है, तो ह्यूमरस का जो, ये जो ह्यूमरस है इसका जो सिर होता है, ह्यूमरस का सिर फिक्स हो जाता है जाकर किसमें, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, और यहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। इसी प्रकार से जो हमारा लेग है, राइट, इस लेग का यानी कि जो फीमर होती है, फीमर का हेड एसिटाबुलम कैविटी में जाकर फिक्स हो जाता है, तो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां कहां पर, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट के अंदर। ओके, चलो नंबर टू पे आ जाते हैं। दूसरा जो जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट वो एक हिंज जॉइंट। यहां पर जो मूवमेंट हो रहा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में वो 360 डिग्री के ऊपर हो रहा था, राइट, और ये कैसा था, मल्टी एक्सियल जॉइंट था। हिंज जॉइंट जो है वो यहां पर 180 डिग्री के ऊपर मूवमेंट हो रहा है, राइट, यहां पर एक बोन का तो कॉन्वेक्स सरफेस उत्तल सतह दूसरी बोन के कॉनकेव सरफेस में जाकर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। एक बोन का तो उत्तल और दूसरे बोन का अवतल सतह जाकर क्या हो जाता है, एक दूसरे में फिक्स हो जाता है, और यह भी एक प्रकार का मोनोएक्सियल जॉइंट है। यह भी कैसा है, मोनोएक्सियल जॉइंट है। मोनोएक्सियल जॉइंट वो कैसा था, मल्टी एक्सियल जॉइंट, क्योंकि कई सारे प्लेन्स के अंदर क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, यहां पर केवल एक प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि मैं ये कहूंगा एल्बो जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट में मूवमेंट कैसे होता है, ये ऐसे, अब मैं इसको हाथ को यूं थोड़ी कर सकता हूं ऐसे, यहां पर एल्बो जॉइंट के अंदर ये मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है 180 डिग्री के ऊपर हो रहा है, एक प्लेन के ऊपर हो रहा है। तो हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है, कब्जा संधि। आप देखते हैं ना दरवाजों के अंदर कब्जे लगे होते हैं, हिंज लगे होते हैं, तो आप दरवाजे को एक डायरेक्शन में खोल सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये 180 डिग्री के ऊपर मूवमेंट होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है नी जॉइंट, ये जो नी होता है, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट जो है, ये वाला कोनी संधि जो है, राइट, और घुटने की जो संधि है वहां पर जो जॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं। ओके, और ये कैसा जॉइंट है, दैट इज नोन एज व्हाट, द मोनोएक्सियल जॉइंट। अब आ जाते हैं तीसरा, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर फिसलना, विसर्पी संधियां, और विसर्पी संधियों का यहां पर जो है ये स्लाइट, इनके बीच बोन्स के बीच में स्लाइट क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि स्लाइटली एक बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है, फिसलती है, ठीक है। और बेस्ट एग्जांपल है बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल। आपको मालूम है जो अपनी कलाई होती है, रिस्ट बोन्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, कार्पल, और अपना जो एंकल होता है जिम, राइट, सोल के पास में, राइट, उसको क्या बोलते हैं, टार्सल। तो मैं कहना चाहता हूं पैर की टार्सल बोन्स के बीच में और हाथ की हथेली के पीछे वाली जो कलाई है वहां पर कार्पल्स के बीच में कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो आप अपना स्कूटर वगैरह चलाते वक्त में जो स्पीड देते हैं, गियर बदलते हैं, वो सब किसकी मदद से, ग्लाइडिंग जॉइंट। इसके अंदर यदि फ्रैक्चर हो जाए तो शायद आप अपने बाइक की या स्कूटर की जो रेस है या जो आप चेंज करते हो, राइट, कोई भी गियर वगैरह, वो नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कहां पर होता है, तो याद रखो पाइवोट जॉइंट जो है ये कैसा है,
दैट इज नोन एज एलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, एलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि यहां पर सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो नंबर है, ग्रेव कशेरुकाओं का जो नंबर है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, पहली ग्रेव कशेरुका, पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सी है, एटलस है, और दूसरी कौन सी होती है, एक्सिस। तो एलेंटो एक्सियल का मतलब होता है एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट ज्वाइंट होता है, और इस पाइवोट ज्वाइंट के कारण ही तो आप अपनी गर्दन को जो है वो यहां पर क्या करते हैं, अपनी स्कल के ऊपर घुमा सकते हैं। ठीक है, और रेडियो अल्नर ज्वाइंट, रेडियल्स और अल्ना बोन्स कहां पर होती है, यहां पर। तो रेडियस और अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा है, वो भी कौन सा है, पाइवोट ज्वाइंट है। क्लियर। नाउ सेडल ज्वाइंट, सेडल ज्वाइंट ये बायएक्सियल ज्वाइंट है। बायएक्सियल ज्वाइंट में मैंने कहा था बोन्स मूव इन टू प्लेन, दो प्लेन्स के अंदर मूव करती है। अच्छा, ये जो पाइवोट ज्वाइंट है वो भी कैसा है, मोनोएक्सियल है। ये भी कैसा है, मोनोएक्सियल है। जो अपना ग्लाइडिंग ज्वाइंट है वो भी कैसा है, मोनोएक्सियल है। ये दोनों ज्वाइंट कैसे हैं, मोनोएक्सियल है। और ये वाला ज्वाइंट भी कैसा था, दैट इज नोन एज मोनोएक्सियल था। नाउ सेडल ज्वाइंट, बायएक्सियल ज्वाइंट, बायएक्सियल का मतलब है बोन्स मूविंग टू प्लेन्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। कार्पो कहां पर होती है, कार्पो मतलब कलाई के अंदर, और मेटाकार्पल ऑफ थंब, मेटाकार्पल ऑफ थंब ये ज्वाइंट किसके बीच में, कलाई की तो कार्पल, और ये जो अंगूठा है थंब की मेटाकार्पल के बीच में जो ज्वाइंट होता है, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये वाला, राइट, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेडल ज्वाइंट कह देते हैं। ओके, और लास्ट जो ज्वाइंट है वो कौन सा है, इलिप्सॉइड ज्वाइंट। इलिप्सॉइड ज्वाइंट ये भी कैसा है, बायएक्सियल ज्वाइंट है। मूवमेंट कितने प्लेन के अंदर होगा, टू प्लेन के अंदर होगा। और मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट, मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट, मेटाकार्पल कहां पर, ये रहा, और ये क्या है, फेलिंजेस, उंगलियां। तो ये जो ज्वाइंट है यहां पर, ये जो ज्वाइंट है ये तो कौन सी है, उंगलियां, फेलिंजेस, और ये कौन सी, मेटाकार्पल। तो ये जो यहां पर जो ज्वाइंट है, इस जगह पर ये जो ज्वाइंट है, राइट, इसको हम क्या बोल देते हैं, मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट। और रेडियो कार्पल ज्वाइंट भी इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल कौन सा है, रेडियो कार्पल। रेडियो कहां पर है, यहां पर है अपनी, रेडियस, और कार्पल कितने हैं, यहां पर। तो रेडियस और कार्पल के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो भी कौन सा है, इलिप्सॉइड ज्वाइंट। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर साइनोवियल ज्वाइंट 6 प्रकार के हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, सेडल ज्वाइंट और इलिप्सॉइड ज्वाइंट। तो हमने आज के वीडियो के अंदर ये ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ा, 3 अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ा। महत्वपूर्ण टॉपिक है, कभी भी आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट। आप नोट्स यदि मेंटेन कर रहे हैं घर पर तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। हम लोग जल्द मिलेंगे नए वीडियोज के साथ में।